हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम गए थे गुरुद्वारा टिब्बी साहब, तो उससे जो है मन को शांति मिलती है। और हम उसके बाद गए थे महाराज रणजीत सिंह पार्क और हेड पे। और चलो आपको भी करवाते हैं एंजॉय, आप भी चलें मेरे साथ ना देर करते हुए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना विद बेल, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप वीडियो का आनंद ले सकें। तो चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं हेड के ऊपर। ये तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा जो है पुल बना हुआ है यहाँ पे, और वो टिप्पी साहब दिख रहे हैं आपको साइड से। और ये सतलुज दरिया के ऊपर बना हुआ है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहीं पे जो है महाराज रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी, और वही जो है अब संधि पॉइंट बन चुका है, उसी को हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो प्लीज़ करना एंजॉय वीडियो का। हम पहुंच चुके हैं और ये सामने जो है वाटर लिली है, ये अब बाईपास बन चुका है यहाँ पे और नया पुल बन रहा है, तो इसलिए इधर जो है बाईपास निकल चुका है। ये है हमारा हेडवर्क्स, ये जो लुधियाना को नहर जाती है, जो कैनल जाती है वो है। अभी काम चल रहा है वो थोड़ा रिपेयर का, तो इसलिए पानी जो है बंद कर चुके हैं यहाँ से। और देखो बिल्कुल सूखा पड़ा है। हम आए तो थे यहाँ पे आपके लिए कलेक्शन करने के लिए वीडियोस की, लेकिन क्लिप्स की, लेकिन जो पानी बंद होने की वजह से निराशा ही हाथ लगी। जो करें इंजॉय। और यहाँ पे जो है वो पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट खुल चुका है। यहाँ पे अगर आप आए घूमने के लिए तो आप यहाँ पे खाने पीने का भी आपका इंतज़ाम हो जाएगा। और हाँ, इधर जो है साइड में एक रेस्टोरेंट स्टाइल और मैरिज के लिए भी यहाँ पे उन्होंने होटल बना दिया है, और यहाँ पे भी मैरिज वगैरह होती हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है जब पानी यहाँ से पूरा अपने फ्लो पे होता है, तो नज़ारा देखते ही बनता है। संडे को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और काफ़ी पर्यटक यहाँ पे घूमने आते हैं। हम पहुँच चुके हैं संधि पॉइंट का गेट पे, चलो चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। और देखो सामने टिब्बी साहब गुरुद्वारा है और बीच में है 1 किलोमीटर जो है पुल का रास्ता बस, जो उसको ज्वाइन करता है। तो साथ में इधर वेका बूथ है जहाँ पे आप खाने पीने का आनंद ले सकते हैं, और बैठने का भी इंतजाम पूरा है। जब मर्जी आएं, जब मर्जी खाएं, अब घूमें एंजॉय करें। ये वाटर लिली है साथ में ही, और जो ये रोड है वो कोर्ट की तरफ जाती है। इधर हमारे जो है वेका बूथ है। और आप अगर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए आए तो बहुत ही अच्छी जगह है ये, और बड़ा ही शांत वातावरण है यहाँ पे। और पंछियों की तो चहचहाट देखते ही बनती है, बहुत इंजॉय करते हैं। और इस साइड जो ये दरिया है सतलुज, और ये पाकिस्तान को जाता है ये पानी ना, और 3 जगह ये डिवाइड हुआ हुआ है पानी यहाँ से। और ये हमारा बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, तो मैंने इसको भी क्लिप में शामिल कर लिया आपके लिए। और ये जो है रास्ता देख लीजिए आप, लोग इंजॉय करते हैं, आप भी करना इंजॉय आना। कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको देखते जाना। चलती हूँ इसी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद।